न्यूज नशा, आदत हर खबर की। धर्मेंद्र प्रधान जी के बयानों की टाइमलाइन देख लीजिए, बीते 8-10 दिन की। कभी कहे कुछ नहीं हुआ, कभी कहे विसंगति है तो देखेंगे, फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। 25 से 30 लाख बच्चे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। किसने किया है? कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग, जिन्होंने हर स्कैम को लीक पर आधारित कर दिया। हमारे बिहार में गेस्ट हाउस की एक आधारहीन कहानी गढ़ी गई। अरे साहब, गिरफ्तार करो, सरकार तुम्हारी, तंत्र तुम्हारा, मंत्र तुम्हारा, षड्यंत्र तुम्हारा, करो गिरफ्तार, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ नहीं। वहां हरियाणा में आपके बीजेपी के किसी के स्कूल से 6 बच्चे टॉप कर रहे हैं, किसी को 1 नंबर आ रहा है CBSE में, 720 नंबर आ रहे हैं नीट में। मतलब ये क्या दर्शाता है कि एक पूरी प्रणाली से अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मैं तो फौरी तौर पर कहूंगा, ये नाटक पाखंड बंद करिए, नीट के एग्जाम को दोबारा कराइए और NTA नाम की इस चीज को, इसको बंगाल की खाड़ी में फेंकिए। NTA ने बच्चों को टॉर्चर किया। राहुल गांधी कहते हैं कि नीट और UGC वाले मामले पर कि ये प्रधानमंत्री इस पर क्यों खामोश है, मुझे समझ नहीं आता है और पंगू हो गए हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि स्पीकर कौन बने। देखिए, प्रधानमंत्री जी मूलतः अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री जी, तो किसी भी गंभीर मसले पे चुप्पी उनका आभूषण हो जाता है, गहना हो जाता है। प्रधानमंत्री जी को चुप नहीं रहना चाहिए। अगर इतने सारे बच्चे, और मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनका आक्रोश आपको ले डूबेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो पहले ये बयान दिया था ना कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार दबाव बनाना शुरू किया। राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, अपने घर में पेपर लीक के जो शिकार छात्र, उनके अभिभावकों से मुलाकात भी की, विश्वास दिलाया कि न्याय की लड़ाई को हम लड़ेंगे। आज 21 जून को पूरे देश के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता इस 30 लाख जो नीट और अंडर ग्रेजुएट और आपका UGC नेट के एग्जाम में 40 लाख छात्रों के समर्थन में सड़कों पर है, और उसके बाद हम 24 तारीख को NSOE संसद का घेराव करेगा। संसद सत्र शुरू हो रहा है, चुना हुआ एक एक हमारा सांसद सदन के अंदर खड़ा होकर न्याय की बात करेगा। मांग क्या है? आपने UGC नेट का एग्जाम 18 को हुआ, 19 को कह दिया शक के आधार पर हम इसे दोबारा कराएंगे। शक नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके पास सबूत है, पेपर लीक हुआ है, इसलिए आपने तुरंत 18 का पेपर 19 को रद्द करके दोबारा कराने की मांग कर ली। लेकिन आप उस मछली को बचा नहीं सकते जिसकी वजह से आपको ये भी पेपर रद्द करना पड़ा। नीट के 30 लाख छात्र मांग कर रहे हैं कि हमारा पेपर दोबारा कराया जाए। ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, एक ही सेंटर पे बैठे हुए सारे छात्रों को ग्रेस मार्क देकर 720 में से 720 दे दिए गए, और मेडिकल की सरकारी जो सीटें हैं वो उन्हें मिल रही है, जिसपे अधिकार किसका है? गरीब मजदूर और किसान ने अपनी मेहनत की कमाई से बच्चे को पढ़ाया लिखाया कि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा और बेटी डॉक्टर बनेंगे, लेकिन सपनों पे पानी फेरा जा रहा है। को लेकर आप लोग सड़क पे हैं, उधर साहब भी आज जेल से बाहर आ रहे हैं, लड़ाई आम आदमी पार्टी से भी आपकी है, दिल्ली की जनता पानी को लेकर? बिल्कुल लड़ाई है, दिल्ली की सुविधाओं को देना, बिजली, पानी, सड़क सुविधाएं, सारी साफ सफाई, बिल्कुल नगर निगम में आम आदमी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, मुख्यमंत्री बाहर आ चुके हैं, पूरी उम्मीद है दिल्ली को अब पानी मिल जाएगा। गठबंधन टूट चुका है, फिर भी आप लोग बहुत संभल कर और बचकर बोल रहे हैं। नहीं, गठबंधन का ये मतलब नहीं है कि हम लोगों के मुद्दों पर चुप हो जाएंगे, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। ये गठबंधन, ये सत्ता, माफी चाहूंगी, हमारी बिल्कुल ठोकर पे है। जिस दिन जनता पर आएगी, हम उस सत्ता को, उन पदों को, उन रिश्तों को भी हम छोड़ देंगे। हमारे लिए जनता, उसके मुद्दे सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, जनता से दिल्ली की ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है। ये एक रटी रटाई लाइन है, हर बार पेपर लीक होता, हर बार वो लाइन बोल दी जाती है। धर्मेंद्र प्रधान जी को ये बताना चाहिए कि नीट की परीक्षा कब रद्द होगी, जिसपे इतने ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, जिन पे माननीय न्यायालय द्वारा भी टिप्पणी की गई। आखिर वो परीक्षा में जो धांधली की बातें समझ में आ रही हैं, शिकायतें मिल रही हैं, वो परीक्षा कब रद्द होगी? इसलिए छात्र, नौजवान, वो सब चाहते हैं कि नीट की परीक्षा भी रद्द हो, पुनः फिर वो परीक्षा हो जिस तरीके से UGC नेट की परीक्षा रद्द की गई है। समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक का एक रिकॉर्ड बना दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवानों को, देश के छात्रों को भरोसा नहीं रह गया। क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए, बिना किसी शिकायत के संपन्न नहीं हो पा रही? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है
छात्रों को नौजवानों को रोजगार देने की, जो परीक्षाएं हो वो बिना धांधली। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, या तो मोदी सरकार को शिक्षा मंत्री से रिजाइन कर दे। इसी शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है इनिशियल लेवल पर। कल शिक्षा मंत्री ने कहा रिफॉर्म कमेटी बनाया, तो एक बार तो ये कहते हैं कि इस नीट की परीक्षा में कोई घपला नहीं है, फिर वही शिक्षा मंत्री कहता घपला है। और बिहार में जो गिरफ्तारी हुई है, गोधरा में जो गिरफ्तारी हुई है, और जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या वो बिहार की पुलिस गलत काम कर रही है या गुजरात की पुलिस ने गलत पकड़ा है उन लोगों को? तो नीट का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। ये सरकार पेपर लीक की सरकार हो गई है। और मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे, जिसकी उम्र 22 23 24 साल थी, 10 साल में उनको नौकरियां नहीं मिली, उनका जवानी बर्बाद हो गई। अब नीट के छात्रों का, नेट के छात्रों का, इनका जीवन बर्बाद हो रहा, युवाओं के जीवन से खेल रहे हैं। इस सरकार शिक्षा मंत्री को इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए और फिर से एग्जाम कंडक्ट किया जाना चाहिए। हमने तो कई एग्जाम दी है, इस नीट एग्जाम में धांधली के तार तेजस्वी यादव की पीएससी। क्या बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की के नाम पर जाके कि कोई गेस्ट हाउस बुक कर ले, इसका क्या मतलब होता है? और उनका क्या हुआ जिन्होंने रटाया है? रात में पर्चा लीक हुआ टेलीग्राम में, 5,000 रुपए में टेलीग्राम पर ये पर्चे पूरे देश के अंदर गए, उसकी बात सरकार क्यों नहीं करती भाई? गोधरा में उड़ीसा के वहाँ के परीक्षार्थी आकर के सेंटर चुनते हैं गुजरात में। गुजरात सरकार की जिम्मेदारी है कि इसमें लगता है कि मोदी गवर्नमेंट की इसमें मिली भगत है, इसमें करोड़ों अरबों का मामला है। जो प्रमाण मिला है गोधरा में, गुजरात में, वो बिल्कुल कंक्लूसिव प्रमाण है, और बात को डाइवर्ट करने की कोशिश न करें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।